पंजाबी स्टाइल कढ़ी जिसमें कि सुपर सॉफ्ट पकोड़े हैं। अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो देखिए कितने सॉफ्ट पकोड़े हैं इसके, देखिए ये रहे एकदम सॉफ्ट पकोड़े। आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से देखिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज शादवानी किचन में हम बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा जो कि पंजाबी स्टाइल से बनाएंगे। तो यहाँ मैंने मलाई थी बहुत सारी, उसको जमा कर दही बनाई थी, तो उससे मैंने घी अलग कर लिया। जो मट्ठा बचा है ये रहा, बहुत गाढ़ा मट्ठा निकला था, बहुत सारी मलाई थी यहाँ पर मेरे पास, तो ये मट्ठा मैंने निकाल लिया है। और यहाँ ये घर की जमी हुई दही है मेरे पास, तो इस दही का भी यूज़ करूँगी इसमें। तो चलिए कढ़ी का प्रोसेस शुरू करते हैं आगे का। तो यहाँ हम अपने एक ब्लेंडिंग जार में ये दही डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने दही डाल ली है अपने जार में। तो इसमें दो कटोरी बेसन डालेंगे 250 ग्राम के आसपास। तो ये दो कटोरी हमने बेसन डाल दिया है इसमें। ये 1 टीस्पून इसमें मिर्ची पाउडर जाएगा, 2 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा, और 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नमक डालेंगे बाद में। तो इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये एक हमारा अच्छा थिक सा बैटर तैयार हो गया। इसे हम अपने मट्ठा निकाला है इस तरह से चलाते हुए इसे मिलाते जाएंगे। इसी में हमने और दही चला लिए और इसमें अब उबाल आने देंगे। हमारी कढ़ी को 15-20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, बस अब इसमें एक उबाल आने वाला है। और बस जैसे ही उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें ये चम्मच डाल के छोड़ दूंगी, फिर ये सिम पर पकती रहेगी, क्योंकि कढ़ी का नाम ही होता है कड़कड़ के पकना। तो बस इसमें हल्के हल्के उबाल आना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें नमक मैं डाल देती हूँ। नमक इसलिए नहीं डाला था क्योंकि दही फटने का खतरा रहता है, तो इसमें 2 टीस्पून में नमक शामिल कर देती हूँ। कढ़ी हमारे यहाँ ज़्यादा ही बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो बस अब इसमें गए हैं इसमें। देखिए इसमें अब उबाल आने शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे ये ऊपर आ रही है। तो हमारी कढ़ी में बहुत अच्छे से उबाल आने लगा है। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कम से कम 30 से 45 मिनट पकाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में, क्योंकि कढ़ी जो है कड़कड़ कर ही पकती है, तो इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको जल्दी बनानी है कढ़ी तो आप पहले बेसन को भून लीजिए, उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए और तब बनाएं, तो कढ़ी टोटल 30 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी आपकी। तो बस अब इसको हम छोड़ देते हैं और अपने पकौड़ों की तैयारी करते हैं। इस तरह चम्मच डाल के छोड़ देंगे तो कढ़ी ऊपर नहीं आएगी, ये इसकी ट्रिक होती है। कढ़ी के लिए अपने पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। ये 2 कप बेसन लिया है, इसमें डालते हैं कुछ पाउडर मसाले। ये 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है नमक, 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर, अच्छा सा कलर आएगा इससे। 1 टीस्पून ही है रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज काटे हैं मैंने। ये धनिया के और पुदीने के पत्ते हैं, 10-12 पुदीने के पत्ते हैं इसमें। 3 हरी मिर्च हैं बारीक कटी हुई, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं, इससे ये पकौड़े और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। 1/4 टीस्पून है अजवाइन, जिसको हाथों से मसल कर हम डाल देंगे इस तरह से हथेलियों से। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। सेमी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसकी, ना ज्यादा गाढ़ा ना पतला।
थोड़ा सा पानी और जाएगा इसमें, और इसको बहुत अच्छी तरह फिटाई कर लेनी है। जितनी अच्छी तरह हम अपने पकौड़े के बैटर की फिटाई करेंगे उतने ही अच्छे हमारे पकौड़े तैयार होंगे, एकदम सॉफ्ट। तो इसको फेंट लेते हैं। जस्ट पकौड़ियाँ डालने से पहले इसमें एक पिंच सोडा जाएगा, मीठा सोडा। बहुत अच्छी तरह फिटाई कर लेनी है, इससे कढ़ी में जो है पकौड़े एकदम सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल टाइट नहीं होंगे। आपको ना इसमें घी डालना है, कुछ नहीं डालना है, बस इसकी फिटाई कर लीजिए और एक पिंच सोडा जाएगा, बस सुपर सॉफ्ट पकौड़े बनेंगे। पकौड़ियाँ डालने जाने से पहले हम इसमें दो चुटकी सोडा डाल देंगे, कोई खाने वाला सोडा। एक कप बेसन में एक चुटकी सोडा, तो ये दो चुटकी सोडा हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसको कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स सोडा डालने के बाद। और यहाँ हमारी कढ़ी ये धीमी आंच पर पक रही है, देखिए कितनी सिल्की स्मूथ सी हमारी कढ़ी बन रही है। तो बस ये भी तैयारी पर ही है, क्योंकि इसे 40 मिनट हो चुके हैं सिम पर पकते हुए। तो इसको ढककर इतने पकौड़ियाँ बनती हैं और पका लेते हैं। तो यहाँ मीडियम साइज के हम पकौड़ियाँ तोड़ लेते हैं, ये साइज में थोड़ी सी अपने आप बड़ी हो जाएंगी इस तरह। तेल को ज़्यादा तेज नहीं करना है, नहीं तो ये एकदम से जल जाएंगी। मीडियम हॉट ऑयल रखना है, फिर बाद में आंच को बढ़ाना है। पकौड़ियाँ हमारी तैयार हैं। ये इतने टेस्टी पकौड़े होते हैं कि आप इन्हें चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो बारिश भी शुरू हो चुकी है, इनको रूम टेम्परेचर पर लाएंगे तभी हम इन्हें कढ़ी में शामिल करेंगे। कभी भी कढ़ी में पकौड़ियाँ डालें तो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए वो। तो ये पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं कढ़ी में डालने के लिए। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ, दिख रहा है? ये देखिए कितने सुपर सॉफ्ट है अंदर से, एकदम जालीदार देखिए। और ये कढ़ी में जाके बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे जैसे मुंह में घुल जाने वाली कढ़ी होती है। कोई सी भी आप पकौड़ी तोड़ेंगे इसी तरह से एकदम जालीदार, बहुत सॉफ्ट पकौड़ियाँ। तो बस ये रूम टेम्परेचर पर आ गई हैं, कढ़ी भी हमारी बहुत अच्छे से कड़ चुकी है। तो इसमें ये पकौड़ियाँ शामिल कर देते हैं और इसमें करते हैं हम तड़के की तैयारी। तेल से लगाएंगे जिसमें हमने पकौड़ियाँ तली थी, तो इसे तेल को कम कर लेते हैं। एक कटोरी में तेल निकाल लेती हूँ मैं। जैसे ही तेल गर्म होता है इसमें हम डालते हैं सरसों के दाने, बस थोड़े से दो पिंच डालते हैं मेथी दाना, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में। क्वार्टर टीस्पून के आसपास धनिया के साबुत धनिया के दाने, टेबल स्पून भर के जीरा, तीन से चार सूखी लाल मिर्च, और इसमें जाएगा थोड़ा सा हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कढ़ी में। और लास्ट में जाएगा इसमें कड़ी पत्ता, इसका एक ही फ्लेवर फुल सा तड़का तैयार हो चुका है। बड़ा ही फ्लेवरफुल तड़का होता है ये। इस तड़के को अपनी कढ़ी पर डाल देते हैं। और थोड़ी सी कढ़ी लेकर इसमें तड़के वाले बर्तन में इसके अंदर बहुत फ्लेवर्स होते हैं, तो इसको और ढक देते हैं ताकि खुशबू बनी रहे तड़के की। कढ़ी सर्व कर लेते हैं। तो आसान स्टेप्स के साथ एकदम सुपर सॉफ्ट पकौड़ों के साथ कढ़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।